नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया, रशिया, चाइना, यूएसए, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं ये चांद पर तो जाना चाहते ही हैं और इसके साथ साथ जो स्पेस के तमाम रहस्य हैं इसको पता लगाना चाहते हैं। लेकिन प्राइमरली चांद पर इतने मिशंस क्यों किए जा रहे हैं? चाहे इंडिया का देखा जाए, इंडिया का चंद्रयान 3, या फिर अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना था कि रशिया जो है उसने लूना 25 लॉन्च किया है, और अमेरिका का $93 बिलियन का एक प्लान चल रहा है जिसका नाम है अर्थमिस 3, जिसमें जो अमेरिका है वो अपने एस्ट्रोनॉट्स चांद पे भेजेगा और वहां पे बेस बनाएगा। तो इसका जो असली वजह है वो कोई रिसर्च करना नहीं है, बल्कि जो ह्यूमंस हैं वो मून को माइन करना चाहते हैं। ये देखिए आप आर्टिकल की, ह्यूमन वांट्स टू माइन द मून, और जो माइन करके वहां पे इंपॉर्टेंट जो धातु है, जो पदार्थ है, उसको जो है ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ये जो है सबसे असली वजह है, ना कि कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। ये देख सकते हैं आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि मून माइनिंग, व्हाई इंडिया, रशिया, यूएस एंड चाइना आर आइंग अ लूनर गोल्ड रश। नाउ यहाँ पे लूनर गोल्ड रश का मतलब ये नहीं है कि चांद पे बहुत ही ज़्यादा सोना भरा पड़ा है। दरअसल चांद पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसकी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कमी है। उसके लिए जो ये सारे बिग पावर्स हैं, जो स्पेस के पावर्स हैं, वो उसके लिए चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, और ये जो है इसीलिए इंडिया भी इतने सारे मिशंस लॉन्च कर रहा है, रशिया इतने सारे मिशंस लॉन्च कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है वो 23 अगस्त को उस पर लैंडिंग करने वाला है, और लैंड करके जो है बहुत सारा हमारा एक रोवर निकलेगा उसमें से, उस रोवर में से जो जानकारी निकलेगी, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो अल्टीमेटली जो है इंडिया के साथ साथ बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए क्या, प्राइमरली जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो $93 बिलियन का एक प्लान अर्थमिस मिशन लॉन्च करने वाला है जिसके तहत वो मून पर जाने वाला है। नाउ ये जो मिशन है ये अर्थमिस पे जाके ये अल्टीमेटली जो पृथ्वी के वासियों को उसी तरफ ले जा रही है कि अल्टीमेटली जो ह्यूमंस हैं वो मून को माइन कर सकें। नाउ जो ह्यूमंस है उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि अपने लाइफ को कैसे इजी बनाना है, और अल्टीमेटली यही जो है ह्यूमंस की इवोल्यूशन भी है, यही कि हम किस तरीके से जो पूरे सौरमंडल है उसको, उसकी एनर्जी को हार्नेस करते हैं, और इसीलिए जो है ये सारे मिशन और एक्सपेरिमेंट जो है लॉन्च किए जाते हैं। ना वो आपको, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा भी क्या है मून पे यार, मतलब ऐसा कौन सा वहाँ पे मिनरल है या फिर क्या चीज़ है जो कि इंसानों की इतना ध्यान वहाँ पे आकर्षित की हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर इंसान वहाँ पे जाएगा तो उसको चाहिए वहाँ पे पानी, और पानी वहाँ पे प्रेजेंट है ये इसका पता जो है इंडिया ने ही लगा लिया था साल 2008 में। नाउ जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है हीलियम 3। नाउ हीलियम 3 जो है वो हीलियम का एक आइसोटोप है, और जो हीलियम 3 का आइसोटोप है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और चूंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है तो ये ख़तरनाक भी नहीं है। नाउ रेयर अर्थ मिनरल एक ऐसी और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका हर एक टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है रेयर अर्थ मिनरल का, जैसे लेंथनम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ह्यूमंस हैं वो मून पर जाना चाहते हैं, और अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो बस हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अभी तो पता लगाया जा रहा है कि कैसा क्या स्ट्रक्चर है मून का, कितनी कंपोजिशन में वहाँ पर मिनरल्स हैं या नहीं है, और किस तरीके से फ्यूचर में काम किया जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, अभी 8-10 साल में नहीं, लेकिन अब से लेके मान लीजिए आप 50 साल या 25-30 साल की बात करें, तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये पक्का है कि इंसान जो है वो चांद पे ज़रूर पहुंचेगा और ये सारी हरकतें जो है ज़रूर करेगा। नाउ क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।